नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नस कौशल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोग बताएंगे कि हम इस ORBM मिरर को कैसे सेट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये ORBM मिरर को दो तरह से हमेशा सेट करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला सेटिंग होता है जब हाईवे रोड में आप चल रहे हैं तो उसके लिए अलग सेटिंग होता है, और जब आप सिटी में चल रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग सेटिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे कि हाईवे रोड पे किस तरह से मिरर को सेट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ये देखा कि 99% ड्राइवर क्या करते हैं, हाईवे रोड पे ये मिरर को गलत तरीके से सेट करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे कि इस दोनों ORBM को और ये बीच वाले मिरर को किस तरह से, मतलब अच्छी तरह से सेट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम हाईवे रोड पे जाते हैं, ये जो ORBM मिरर है, हम लोग गलत सेट करने की वजह से हम लोग क्या होता है, बहुत सारा दुर्घटना होता है। तो इस दुर्घटना से कैसे बचे, उसके लिए सबसे पहले आपको मिरर को अच्छी तरह से सेट करना होगा। तो क्या प्रॉपर तरीका है सेट करने का, वही चीज आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मिरर सेटिंग बिल्कुल सिर्फ हाईवे रोड के लिए है, ना कि सिटी के लिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं भाई आप गलत बता रहे हैं, हमेशा मतलब कार का बॉडी पीछे भाग दिखना चाहिए, तो ये गलत है। तो दोस्तों, मैं ये देखा हूँ कि 99% जो ड्राइवर्स होते हैं वो बिल्कुल मिरर को गलत तरीके से सेट करते हैं, जिससे आप लोग देखे होंगे कि ये मिरर का वजह से सिर्फ मतलब 60-70% हाईवे रोड में एक्सीडेंट होता है, सिर्फ ये मिरर को अच्छी तरह से सेट नहीं करने के कारण। तो ये किस तरह से सेट करना चाहिए, चलिए उसको हम सिखाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको सीट में जिस जगह पे आप बैठे हैं, मतलब जिस जगह पे आप मतलब रिलैक्स होकर कार को ड्राइव करते हैं, उस जगह पहले आपको सीट को एडजस्ट कर लेना, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि आप जिस जगह पे बैठे हैं उसी जगह पे आपका सर रहेगा, मतलब मुंडी रहेगा, ठीक है। तो इसी जगह से आप लेफ्ट देखिएगा तो लेफ्ट वाला मिरर दिखाई देगा, और राइट देखिएगा तो राइट वाला मिरर दिखाई देगा, और यहाँ वाला मिरर को देखिएगा तो इस वाला मिरर दिखाई देगा। तो सारा मिरर को सेटिंग करना, ये तीनों मिरर सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप मतलब हाईवे रोड पे जाइए, अदरवाइज मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है इस तरह गलत है। देखिए 99% ड्राइवर क्या करते हैं, ये वाला जो बॉडी है, कार का बॉडी है, वो दिख रहा है, ठीक है, और देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। तो इसी तरह से बहुत कोई लोग सेटिंग करते हैं कि हमारा कार का बॉडी भी हल्का दिखना चाहिए, और नीचे भी दिखना चाहिए, ऊपर भी दिखना चाहिए, इस तरह से सेटिंग करते हैं। लेकिन ये हाईवे रोड के लिए बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए सिखाते हैं कि किस तरह से प्रॉपर सेटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपको देख सकते हैं बीच वाला जो मिरर है, सबसे पहले आपको बीच वाला मिरर को सेटिंग करना है। तो बीच वाला मिरर को किस तरह से सेटिंग करना है, तो देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये मिरर को एडजस्ट करना है अच्छी तरह से, ठीक है, एडजस्ट हो गया, मतलब देखिए जब आप एडजस्ट कीजिएगा तो ये वाला जो पॉइंट है, मतलब कार का पीछे वाला जो पॉइंट, देखिए पीछे वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लास्ट, और उधर वाला लास्ट नीचे वाला पॉइंट दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कैमरा में ये चारों पॉइंट मुझे दिखना चाहिए, जैसे देख सकते हैं कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे दिख रहा है अच्छी तरह से। तो दोस्तों, ये वाला मिरर आपको अच्छी तरह से सेट करना है, जिससे कि आपका चारों पॉइंट दिखना चाहिए, पीछे वाला जो शीशा है उसको चारों पॉइंट दिखना चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं ये चारों पॉइंट दिख रहा है अच्छी तरह से। अब आ जाना है राइट वाला ORBM मिरर में। तो इसको किस तरह सेट करना, देखिए दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से सेटिंग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पीछे एक ट्रक खड़ा है, और हम लोग क्या किए, अपने कार का जो बॉडी है वो दिख रहा है, मतलब इतना परसेंट कार का सिर्फ बॉडी दिख रहा है, और साइड में जो है वो नहीं दिख रहा है, मतलब साइड में एक ट्रक सिर्फ दिख रहा है। लेकिन कहाँ पे मिस्टेक होता है वो चीज आपको दिखाते हैं हम। ये होता है कुछ ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, कुछ ब्लाइंड स्पॉट यही पे होते हैं जो कि हम लोग को पता नहीं रहता है। तो एक्सीडेंट कब होता है, बस यही गलती के कारण हम लोग का क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो कैसे होता है दोस्तों, चलिए ये चीज आपको बताते हैं। सबसे पहले हम तो देख सकते हैं कि दोस्तों, अभी हम लोग जिस तरह से मिरर को सेट किए हैं, तो हमको सिर्फ एक ट्रक दिखाई दे रहा है, मेरा पीछे ट्रक है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम कार को स्पीड चला रहे हैं और अचानक से हम हल्का सा भी टर्न लिए, मतलब राइट की ओर कार को घुमाए, तो क्या हो सकता है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि पीछे, मतलब मेरा बिल्कुल कार का नजदीक में एक ट्रक खड़ा है, देखिए ये वाला ट्रक का बगल में और एक ट्रक खड़ा है, तो मुझे सिर्फ
अपना पीछे वाला सिर्फ ट्रक दिखाई दे रहा था, लेकिन जो साइड में और एक ट्रक है वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों क्या हो सकता था कि अगर हम राइट टर्न लिए, ठीक है, तो अगर वो ट्रक हमारे ही तरफ आएगा या आ जाएगा, तो उस वक्त मतलब 99% चांसेस हो जाएगा कि मेरे कार और उस वाले ट्रक का मतलब सट जाएगा, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो किस तरह से सेटिंग करना है, चलिए सबसे पहले वो चीज हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूंगा, ये जब आप मिरर को अच्छी तरह से जब सेट कर लेंगे, तो देखिए ये वाला मिरर में आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट पॉइंट। देखिए ये पीछे वाला जो ट्रक है उसका ये वाला लाइट दिखाई दे रहा है, मतलब इधर वाला हेडलाइट तो दिख रहा है उसका, ठीक है, लेकिन इधर वाला हेडलाइट मुझे अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, मतलब हल्का सा दिख रहा है। तो उसी प्रकार हमको यहां पर भी आप सेट करना होगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, दोनों हेडलाइट मुझे उस ट्रक का दिख रहा है और इतना ये जो पार्ट है वो बेकार कपड़ा हुआ है। तो अगर हम इस मिरर को इस तरह से सेट कर ले, देखिए हाँ यहां पे जैसे कि आप लोग देखिए कि ये वाला मिरर में सिर्फ ये वाला उसका मिरर जो है दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये वाला जो हेडलाइट है उसका, ये वाला हेडलाइट वो लास्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहां पर भी बस उसी प्रकार यहां पे उसका लास्ट होना चाहिए, ठीक है, ये लास्ट हुआ। तो देखिए ये लास्ट पॉइंट दिख रहा है, तो अब ये देखिए ये ट्रक भी मुझे दिखाई देने लगा। अब हम यहाँ पे श्योर है कि मेरा पीछे दो ट्रक है, तो इससे हम बच सकते हैं, आसानी से हम बच सकते हैं कि मुझे पता लग गया कि हाँ भाई पीछे भी कोई ट्रक है, तो मुझे सावधानी से चलना होगा। सेम उसी प्रकार आपको इस साइड में करना है, ठीक है। देखिए ये वाला जो आपको देख रहे हैं पॉइंट, अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं, अब यहाँ पे एक पोल नजर आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं कोयला वाला साइकिल आ रहा है। जैसे ही कोयला वाला साइकिल पार होगा वो वाला मिरर में मुझे नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो अब इसको किस तरह सेटिंग करना है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जैसे यहां से कोई कार गुजरेगा तो वहां पे सीधा दिखाई देना चाहिए। तो चलिए उसको इस तरह से हम सेटिंग करते हैं। देखिए एक ट्रक आ रहा है, वो ट्रक देखिए अब आधा हो गया, तो आधा दिखाई दे रहा है, हाँ इस तरह से सेटिंग करना चाहिए। देख सुमो गोल पार हुआ, देखिए सुमो गोल हाँ चला गया, तो बिल्कुल इसी तरह से सेटिंग। देखिए वो एक टेम्पो आ रहा है, तो जैसे टेम्पो वहां से ढक जाएगा तो यहाँ पे दिखना चाहिए, मतलब ये अभी भी सेटिंग नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और हमको अंदर की ओर मिरर को करना पड़ेगा। तो मिरर को देख कार को वहां से निकला, अब इसमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए ट्रैक्टर अब यहां से गुजर रहा है, तो यहां पे निकल रहा है, मतलब देखिए इसका लास्ट पॉइंट, तो इसका भी लास्ट पॉइंट दिखना चाहिए। तो ये प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब इस तरह से सेटिंग करके चलाइएगा तो आपका साथ कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से आपका लास्ट पॉइंट, जैसे यहां से कोई कार निकला या कोई भी गाड़ी यहां से निकला, तो सीधा इस वाला मिरर पे दिखाई देना चाहिए वहां पे। तो देख सकते हैं कि यहां पे ये लास्ट वाला मिरर है, ठीक है, लास्ट वाला मिरर मुझे दिखाई दे रहा है हल्का सा, तो यहां भी मुझे लास्ट वाला मिरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार सेम देख सकते हैं यहां पे, आप लोग बिल्कुल अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत यहां पे गाड़ी आ रहा है, तो जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं हम दोनों मिरर को कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा थोड़ा सा वेट कर रहे, देखिए यहाँ पे एक ट्रैक्टर आ रहा होगा, ठीक है, फिर ट्रैक्टर जा रहा है, ठीक है, इधर अभी ट्रैक्टर जाके देखिए यहाँ से ट्रैक्टर जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा, तो देखिए ये वाला जो लास्ट पॉइंट खत्म हो गया, तो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो इसी प्रकार से मिरर को अच्छी तरह से सेट करना चाहिए। और जब आप हाईवे रोड पे चल रहे हैं तो आपको 90% सिर्फ ये वाला मिरर को देखना है, ना कि ये वाला मिरर को, ये वाला मिरर को एनी टाइम आपको देखते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों पीछे कभी भी सामान मत रखा कीजिएगा, जैसे क्या कहते हैं हम लोग इसे बैग रख देते हैं या कुछ सामान रख देते हैं, तो क्या होता है वहां पे हम लोग दिखाई नहीं पड़ता पीछे का चीज। तो इस तरह से मिरर को कभी भी मत सेट कीजिएगा हाईवे रोड पे, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इस प्रकार से जो अभी हम सेट किया है ये इस प्रकार से सेट करना मिरर को बिल्कुल गलत है, नहीं ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन ये हाईवे रोड पे आपको बिल्कुल सही नहीं है। और ये इस तरह से मिरर कब सेटिंग किया जाता है, वो सिटी के लिए सेटिंग किया जाता है, मतलब सिटी में आप चल रहे हैं तब इस प्रकार से आपको सेटिंग करना चाहिए। तो इस प्रकार से सेटिंग कब करना चाहिए उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो हाईवे रोड में आप इस तरह से सेटिंग कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने मतलब आपको एक अच्छा सा एग्जांपल हम दिखा दिए कि आप अगर आप इस तरह प्रकार से मिरर को सेटिंग करते हैं तो देख सकते हैं कि बगल में एक ट्रक भी खड़ा था और वो ट्रक कार से ज्यादा नजदीक भी नहीं था, ठीक है। तो जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कार है, मेरा कार देखिए पीछे में, बस यही पे वो ट्रक भी खड़ा है। तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है इस प्रकार से, कितना खतरनाक साबित हो सकता है इस तरह का गलत मिरर सेटिंग करने से। तो दोस्तों कभी भी आप मिरर को इस तरह से सेटिंग मत कीजिए, हमेशा मतलब यहां से जैसे ही पॉइंट वहां से निकलेगा, जैसे ये लास्ट लाइट दिख रहा है तो यहां भी वो ट्रक का लास्ट लाइट दिखना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार। तो जिससे देखिए यहां पे अब ये वाला ट्रक दिख रहा है, तो ये जब हम इस तरह से किए थे ये बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट था, वो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कर पाते कि वहां पे कोई ट्रक खड़ा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।